बारे में सबकी बातें हम लोग सुनते रहे और पूरी बात को समझ में आते आते मैं सेंटेंस में बोलता था कि मैंने रैना साहब का वो नाटक देखा है मदर, रैना साहब आपका नाटक मदर जी, हाँ हिम्मत माई, तो वही बात हम सोचते थे कि कैसे करेंगे, तो लिटरेचर जो रिस्पॉन्स ऑफ आर्टिस्ट टू द क्राइसिस ऑफ कश्मीर, ये एक इशू हमारे पास बार बार उनके सामने आता था। आखिरकार जब पिकासो की क्रॉनिका की बात आती है तो क्रॉनिका के साथ ही जर्मन का पूरा अटैक समझ में आ जाता है। जब हिम्मत माई की बात आती है तो मैंने डायरेक्ट करते हुए और उसमें एक्ट करते हुए देखा, तो मैं सच से पूछता था कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि कश्मीर के आर्टिस्ट ने इस कश्मीरी क्राइसिस को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, और अगर किया है तो वो हमारे सबके सामने क्यों नहीं आया, और कश्मीर का आर्टिस्ट इस पूरे क्राइसिस के बारे में क्या सोच रहा है, ये हम लोग जानना चाहते थे। और इसी प्रोसेस में जब बातचीत शुरू हुई तो पहला नाम वीर मुंशी साहब का आया, और वीर मुंशी साहब की वेबसाइट के ऊपर हम लोग गए और देखा कि जो भी कश्मीर का पूरा वॉल्यूम था, उन्होंने उनकी पूरी एक्टिविटीज को, उनकी पेंटिंग्स को एक डायरेक्शन दी। तो वीर मुंशी से हमारी शुरुआत शुरू हुई, फिर इस पिक्चर के बारे में मालूम चला, रैना साहब के बारे में मालूम चला, रैना साहब के बारे में हम सब जानते थे पहले से, और बच्चन सबौरी, इन सब लोगों से हमने ये बात सोची कि आखिरकार ये लोग आज मंच पर आए और हमें बताएं कि एज ए ब्यूटीफुल माइंड, एज ए क्रिएटिव माइंड, ये लोग इस पूरी समस्या के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं और अपनी बात को हमारे सामने रखें। क्रांति मोर्चे सन 1990 के अंदर एग्जीबिशन उन्होंने बना दी थी, पूरे देश में घुमाई, उसके बाद USA में, UK में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, सब जगह पे एग्जीबिशन गई, और उनका भी इस इशू के साथ गौरव का पूरा एक सीधा संबंध रहा था, तो हमने उनको भी इस मुद्दे पर बोलने के बुलाया। दो विक्टिम्स को भी हम सुनना चाहते थे, जैसे कि आज हमारे इशू मिस्टर रंजू हैं, रंजू साहब के भाई टेलीकॉम यूनिवर्सिटी में थे, उनका मर्डर हो गया, और सरानंद प्रेमी जी, मैं बताना ही चाह रहा था कि आखिरकार सरानंद प्रेमी को क्यों मारा, और सरानंद प्रेमी को जब मारा गया तो सरानंद प्रेमी की पूरी फैमिली पे क्या बीती, वहां के इलाके के सपोर्ट के लोगों ने एकदम वहां से पलायन करके वहां से निकल के, तो हम सब जानते हैं, लेकिन सरानंद प्रेमी के बेटे क्या महसूस कर रहे थे, उनकी माँ क्या महसूस कर रहे थे, उनके भाई क्या महसूस कर रहे थे, उनके घर के बच्चे, उनके पड़ोसी सब क्या महसूस कर रहे थे, जब सरानंद प्रेमी जिसके बारे में कहा जाता था, जबकि वो सबको बोलते थे कि मुझे कौन मारेगा, सपोर्ट के अंदर मुझे कौन मारेगा, सरानंद प्रेमी को एक विश्वास था कि उनको कोई नहीं मारेगा, नारे लगाने वालों को लोग मारेंगे, शोर मचाने वालों को लोग मारेंगे, सरानंद प्रेमी को कौन मारेगा, और सरानंद प्रेमी को ही मारा गया, और प्रेमी के मरने के बाद सपोर और आसपास के सारे डिस्ट्रिक्ट खाली हो गए, तब क्या महसूस हो रहा था सरानंद प्रेमी के परिवार के ऊपर, तब क्या महसूस हो रहा था राणा मिस्टर रैना को, मिस्टर वीर मुंशी को।